चार किताबें भी आई हैं। एक मैं और काम कर रहा हूँ जिस पे 2-4 महीनों में उस पे भी लिखने की प्रक्रिया चल रही है कि गुरु रविदास जी का हमारे अपने जीवन में क्या महत्व है, क्या क्या बदलाव आए हैं, सांस्कृतिक रूपांतरण में गुरु जी की क्या भूमिका रही है, कैसे हमारे विभिन्न तरीके के पर्व त्योहारों में, विभिन्न तरीके के आयोजनों में उनकी अपनी भूमिका रही है, उन सब पे मैं काम कर रहा हूँ। उसमें आप सब लोगों से मैं बाद में बात करूँगा, इंटरव्यू कर लूँगा इस प्रक्रिया में। जैसा बताया था सर ने कि हम आज गुरु जी के ऊपर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो दलित समाज की दशा और दिशा है उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। संक्षेप में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। जैसा हमारे पहले के वक्तव्य में माननीय चंद्रपाल साहब ने बताया था दलित शब्द के बारे में, देखिए मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, उसमें अर्थ भरे जाते हैं। जैसे हिंदू का मतलब काला होता है, लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। संगोष्ठी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे गाय भैंस रखी जाए, बांधी जाती है, गौशाला, उससे बना हुआ है संगोष्ठी। लेकिन संगोष्ठी का मतलब सेमिनार के रूप में आ जाता है। तो प्रचलन में आने के बाद जिन शब्दों को हम अर्थ भर देते हैं वही शब्द मान्य हो जाते हैं। एक समय ऐसा था जब दलित शब्द इस बात का परिचायक था कि दलित का मतलब जिसका दलन किया गया हो, जिनका उत्पीड़न किया गया हो, ये परिभाषाएं दूसरों ने दी थी और वो सही भी था क्योंकि हमारा दलन हुआ था, हमारा बहुत अधिक उत्पीड़न हुआ था। लेकिन आज यह शब्द एक आंदोलन का शब्द बन गया है, एक गर्व का शब्द बन गया है। हम गर्व से कह रहे हैं कि हम दलित हैं। इस धर्म की सबसे अधिक हिंदू धर्म की खासियत या विडम्बना जो भी कहें, जब वो किसी को अपमानजनक शब्दों में व्यवहार करता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिसके लिए व्यवहार करता है यदि वो अपने को कहने लगे कि नहीं मैं ये हूँ तो उसे दिक्कत होती है। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि इन्होंने अपने स्कूटर पर लिखवा रखा था कि चमार शब्द से या उसके बारे में, जब वो 3000 साल से चमार कहता रहा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम अपने आप को कहने लगे कि मैं गर्व से कहूँ मैं चमार हूँ तो उसको दिक्कत होगी। इस वजह से एक उर्दू का एक शेर है कि दर्द का हद से गुजर जाना भी दवा हो जाता है कई बार। तो जिन चीज़ों से हमें अपमानजनक जिन स्थितियों में रखा गया उन स्थितियों पे हम जब गर्व करने लगते हैं तो अपमान करने वालों के मन में पेट में मरोड़ उठती है और हम सब लोगों को लगता है कि हमें उन चीज़ों को दूर करना है, उन चीज़ों को स्वीकृति के साथ में। मेरे PhD का टॉपिक था दलित अस्मिता और संत रविदास का काव्य। आप सब लोग जानते हैं गुरु जी की जो पंक्ति है, कह रविदास खलास चमारा, 13वीं-14वीं शताब्दी में वो कहते हैं मैं प्योर चमार हूँ, खालिस, एकदम प्योर। तो जो व्यक्ति 14वीं शताब्दी में अपनी जाति पे गर्व कर सकते हैं वे कहते हैं कि मेरी जाति कूड़ बाटला ढोर ढोवंत आज हूँ बनारसी आसपासा। तो जो बनारस के आसपास भी आज भी ढोर ढो रहे हैं, जो जिनको ना अपने जाति पे कहीं कोई अपमान का भाव है, गर्व करते हैं अपने ऊपर, अपने पैसे के ऊपर गर्व करते हैं, अपने ज्ञान के ऊपर गर्व करते हैं, मन चंगा तो खटौती में गंगा मतलब अपने ऊपर गर्व करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के संकेत जिस व्यक्ति में जिस समय में मिलते हैं वह पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए गर्व करने वाली बात होती है। संक्षेप में मैं अपनी बात एक और कह के खत्म करूँगा, बेगमपुरा वाली जो उनकी अवधारणा है, मतलब कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वो। और जैसा आप कहते हैं जो बोले सो निर्भय, निर्भय भय, भय का जो माहौल था उस समय में जो व्याप्त था, उस भय से मुक्ति की बातें गुरुजी कहते हैं कि जिन चीज़ों पे, देखिए हमारे महापुरुष इसलिए महापुरुष होते हैं क्योंकि वो अपने समय की जो चुनौतियां उसे जूझते हैं और उससे रास्ता दिखाते हैं, उसके लिए हमें ऐसी तरकीब बताते हैं जिससे हम आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए वो महापुरुष होते हैं। उन्होंने वो तरकीब बताई कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप मन को चंगा करके आगे बढ़ सकते हैं, आप भयरहित होकर के आगे बढ़ सकते हैं। और एक और बात जो बेगमपुरा उन्होंने कहा कि जहाँ कोई टैक्स नहीं है, जहाँ पे कोई खिराज नहीं है, आवादान सदा मशहूर, और जहाँ पे सब ही सबके दोस्त हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, एक ऐसे बेहतरीन शहर की कल्पना जिसमें कोई गम नहीं हो, जिसमें कोई दुख नहीं हो, इस तरह का एक अपना यूटोपिया सृजित करते हैं और उनमें वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो एक बेहतर भविष्य बना सकती हैं। एक और बात कह के आज के समय में अगर हम प्रासंगिकता देखें तो आज हम लोग एजुकेशन सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इस समय एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भी है। अनस्किल्ड लोगों की संख्या, डिग्री होल्डर की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, लेकिन डिग्री के अनुपात में स्किल्ड लोगों की संख्या उतनी ही कम हो रही है। मैं फर्स्ट हाफ में आता लेकिन
एक करोल बाग में यहाँ के कुछ बड़े अधिकारियों द्वारा आईएएस की कोचिंग उसमें कराया जाता है, सिविल सर्विसेज के लिए इंटरव्यू की तैयारी की जाती है। तो मैं उसके एक बैच में था तैयारी लेने के लिए। तो हमने देखा कि कैसे बीए पास लड़का आईएएस भी बन सकता है और बीए पास लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं डिग्रियों में जो ज्ञान है, ज्ञान का जो भ्रम पैदा कर रही है डिग्रियाँ, इसमें बहुत अधिक अंतर है। और उसके लिए फिर हमें गुरुजी याद आते हैं जब वो कहते हैं कि श्रम ही पूजा जान के, जौ बरते दिन रैन, रैदास तिनहु संसार में सुख पावे और चैन। डिग्री होल्डर श्रम करने से परहेज करने लगता है, उसको लगता है कि मैंने डिग्री ले ली है, मैंने बीए एमए एमफिल पीएचडी कर लिया है, तो मैं कोई मेहनत का काम नहीं कर सकता। वर्क इज वर्शिप वाला जो भाव है, श्रम को पूजा जानने वाला जो भाव है, ये आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है। और उस हम चूंकि हम सब लोगों की परंपरा ही रही है श्रमिक परंपरा की, हम श्रमण संस्कृति से आए हैं, हम श्रम करने वालों की परंपरा के लोग हैं, श्रम पे गर्व करने वालों के लोग हैं। हिंदी में एक भक्ति काव्य के दो प्रमुख धाराएं हैं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। इसके विभाजन के रूप में कहा जाता है कि सगुण भक्ति काव्य धारा वह है जिसमें कमा कर नहीं खाने वाले लोग हैं, और निर्गुण भक्ति धारा वह है जिसमें कमा कर खाने वाले लोग हैं। संत कबीरदास, संत गुरु रविदास जी, धन्ना, सेन, पीपा, ये सभी लोग निर्गुणीय संत कवि हैं जो कि श्रमिक संस्कृतियों से आते हैं। श्रम की हर हर संत कवि का अपना एक पेशा भी है, अपना एक रोजगार भी है, अपनी आजीविका है। वो अपनी आजीविका को अपना धर्म मानते हैं, जबकि गोस्वामी तुलसीदास की आजीविका क्या है? मंदिर में। सूरदास की आजीविका मंदिर में। रहीम रसखान, ये सब मंदिर वाले ही हैं। तो जो दूसरों के श्रम पे ऐश करते हैं, अपने श्रम पे अपनी मेहनत से कमा करके खाने वालों की जो जमात है, वो हमारे महापुरुषों की, हमारे गुरुओं की है। और ये एक बहुत बड़ा भेद है। हमें लगता है कि हम उसी जमात से हैं जिस जमात से हमारे महापुरुष हैं, उनकी जो वाणियाँ हैं, उनका जो संदेश था, उन संदेश को हमें फिर से रिकॉल करने की ज़रूरत है, फिर से नए सिरे से परिभाषित करने की ज़रूरत है। इससे पहले की परिभाषाएं किसी और ने दी, किसी और ने परिभाषाएं देकर उनको भक्त और आध्यात्मिक मार्ग में पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन जब हम उसे नए सिरे से परिभाषित करेंगे तो हम अपने काम की चीज़ें उनमें से निकालेंगे, हम अपने फायदे वाली चीज़ें उनमें से निकालेंगे, और तब हमें लगेगा कि वो हमारे महापुरुष जो 13वीं 14वीं शताब्दी में भी कितने महान बातों को उन्होंने कही थी। हम जब दोबारा उन्हें पढ़ेंगे, दोबारा उन्हें याद करेंगे, तो हमारे अपने समय की जो चिंताएं हैं, जो हमारी दुर्दशा के कारण हैं, उन कारणों को भी आपको संकेत वहाँ पर मिलेंगे और उसके निदान भी वहाँ पर मिलेंगे। शुक्रिया।